कमल आफ्ताब अपनी शादी के लिए तैयार होकर आ गईं। वाइट गरारा पहने कमल आफ्ताब मुकम्मल ब्राइड बने कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में, आपको दिखाएंगे कि कमल आफ्ताब जब तैयार होकर आईं तो उसके बाद अपनी टिकटॉक वीडियोस बनाती रहीं। कमल आफ्ताब कितनी प्यारी लग रही हैं आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको शोबी से आने वाली हर नई अपडेट बआसानी और सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, आप तो जानते ही हैं कि सोशल मीडिया पर ज़ुल्कुनैन सिकंदर और कमल आफ्ताब की शादी के चर्चे हैं। दोनों की माइयों और मेहंदी की रस्म हो चुकी है और अब उनकी बारात की तस्वीर और वीडियोस का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कमल आफ्ताब ब्राइड बनकर तैयार होकर वापस आ चुकी हैं। कमल आफ्ताब जब तैयार होकर आईं तो वो अपनी टिकटॉक वीडियोस बनाने लगीं। दुल्हन के रूप में भी उनकी टिकटॉक वीडियोस देखकर उनके फैंस खुशी से चहक उठे। आइए आपको दिखाते हैं कमल आफ्ताब की ये खूबसूरत सी वीडियोस। वाइट करारा पहने कमल आफ्ताब बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और मुकम्मल ट्रेडिशनल लुक अपनाए कमल आफ्ताब अपनी टिकटॉक की वीडियोस बना रही हैं। कमल आफ्ताब ने अपना फेस रेड दुपट्टे से कवर कर रखा है, जिस पर ज़ुल्कुरनैन की दुल्हन लिखा हुआ है, जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है। वाइट करारा पहने कमल आफ्ताब बिल्कुल डॉल की तरह लग रही हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कमल आफ्ताब और ज़ुल्कुरनैन सिकंदर मशहूर और मारूफ टिकटॉकर हैं और दोनों इकट्ठे ही टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं, जिन्हें उनके फैंस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस कपल को जब रियल लाइफ कपल बनते देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं। कमल और ज़ुल्कुरनैन के फैंस की तो खुशी की इंतहा ना रही, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि उनका फेवरेट कपल एक होने जा रहा है और दोनों रियल लाइफ कपल बन रहे हैं। कमल आफ्ताब की ब्राइड बने पहली झलक देखकर उनके फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उन्हें बहुत ज़्यादा मुबारकबादें देने लगे। उनके फैंस को उनकी ये लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। आपको कमल आफ्ताब की अपनी बारात के लिए ये खूबसूरत सी लुक कैसी लगी और इस ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक में कमल आफ्ताब कैसी दिख रही हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।